अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट. हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीथिंग इज़ गेटिंग ईजी फॉर यू एज यू मूव फॉरवर्ड. वी आर ऑन चैप्टर टू, द लास्ट लेसन, एंड वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस और मेन पॉइंट्स ऑफ द लास्ट लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, द बैकग्राउंड ऑफ द लेसन इज फ्रेंको प्रूशियन वॉर, वेयर टू मेजर डिस्ट्रिक्ट आर फ्रांस वर controlled by Germany. So first of all, we will have to study what are the effects of war on the people of France, their lives, education, society, every institution was affected. कि जब जंग होती है, कुछ areas जो हैं controlled areas कहलाए जाते हैं और कुछ controlling authorities और controlling areas कहलाए जाते हैं. So इस चीज़ का पूरे माहौल के ऊपर, जैसे कि जो हमारा राइटर है वो इसमें थोड़ा सा पीजन्स का भी जिक्र करता है कि क्या वो पीजन्स को पकड़ के इनकी भी ज़ुबान चेंज करवाएंगे. इट मींस एवरी ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो द एनिमल्स बट आल्सो द लिविंग बॉडीज ऑफ दैट एनवायरनमेंट आर डू कम अंडर द इफेक्ट ऑफ वॉर्स. तो जंगें सिर्फ बेमायने नहीं होती हैं, मीनिंगलेस नहीं होती हैं या ऐसे ही नहीं होती हैं, बल्कि इनके तो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं हर चीज़ के ऊपर. इंसान की जो लिविंग स्टाइल है वो, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जैसे हम अगर प्रेजेंट एग्जांपल लेना चाहें तो हमारी जो करीब की एग्जांपल है वो मकबूज़ा कश्मीर की जो है, कंट्रोल्ड कश्मीर जो है, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय इंडिया फोर्सफुली. उसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि देयर लाइव्स आर नॉट फ्री, दे आर इंटेंगल्ड बाय इंडियन फोर्सेस. वहाँ हर वक्त इंडियन फोर्सेस लगी हुई हैं एंड दे आर नॉट अलाउड टू कम आउटसाइड इवन फ्रॉम देयर हाउसेस, और उनको वो जीने की जो आज़ादी है वही नहीं है. तो एवरीथिंग गेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलिंग अथॉरिटी. देन हम दूसरा जो है पॉइंट वो मेजरली ये देखते हैं कि लैंग्वेज का इंसान की लाइफ में क्या रोल है, या जो ज़ुबान के बोलने वाले हैं और जो ज़ुबान है वो कितना इफ़ेक्ट करती है. इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट दिया है मिस्टर हैमल ने कि लैंग्वेज को हमें, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड अ की टू देयर प्रिजन. कि हमें अपनी ज़ुबान को, लैंग्वेज को अपने दरमियान हिफाजत करनी चाहिए, इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई कौम ग़ुलाम बन जाती है तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं, अपनी ज़ुबान से जुड़े रहते हैं, तो उनको जो है कैद की चाबी उनके हाथ में होती है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और ज़बरदस्त सा कमेंट है जिसमें हमें ना सिर्फ ये बल्कि पूरी एक थ्योरी पेश की गई है कि लैंग्वेज से आपका ना सिर्फ लिविंग स्टाइल आता है, सिविलाइजेशन आती है, बल्कि आप आज़ाद हो के दुनिया को बता सकते हैं, दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दुनिया को सिखा सकते हैं कि यू हैव सच अ रिच लैंग्वेज and you can teach to the world, you can reach to the world. जैसे आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, ये मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम्पल अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए दे रही हूँ कि इंग्लिश पीपल जो थे उनकी लैंग्वेज अननोन थी, उनके लैंग्वेज का कोई रस्मुल ख़त जो है वो सही नहीं था, वो बहुत ही बेसिक और लाइक उनके जो लेटर्स थे वो भी डिफाइंड नहीं थे. लेकिन क्या हुआ, उन्होंने दुनिया को टीच करने की खातर दुनिया के हर खत्ते में गए, हर खत्ते में गए, ब्रिटिश इंडिया आए, यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में आए, फिर बहुत से और जगहों पे गए. तो उन्होंने क्या किया, दुनिया को ये मनवा दिया आज की जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है और यही सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सिविलाइज लोगों की लैंग्वेज है. तो लैंग्वेज जो है ये बड़ा फ़र्क क्रिएट करती, इवन जो वर्ड्स होते हैं इनके बहुत इफ़ेक्ट होते हैं. ये पूरी थेरीज और पूरे जो नेशंस हैं उनको डिफ़ाइन करती हैं. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने इसमें याद करना है. देन हम देखते हैं कि रोल ऑफ विलेजर्स या पेरेंट्स जो है, ये माइनर सा क्वेश्चन है इसका, कि रोल ऑफ विलेजर्स जो है वो इतना ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइक कि वो इग्नोर करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं बच्चों की एजुकेशन पर और लैंग्वेज पर. देन जो है
analysis of Mr. Hamel as a teacher. Mr. Hamel as a teacher कैसे थे? He was obviously a good teacher. लेकिन उन्होंने भी जो है अपने पर्सनल कामों की खातर स्टूडेंट्स को इग्नोर किया, उनके लेसन्स और चैप्टर्स को इग्नोर किया. जब लास्ट लेसन दे रहे थे तो उन्होंने इतना खूबसूरती से लास्ट लेसन दिया कि इवन द पुअर बॉय ऑफ दैट क्लास जो फ्रेंड्स है उसको भी वो लेसन बहुत अच्छे से समझ आया. तो ये एक टीचर की ड्यूटी बनती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हर एक चीज़ को क्लैरिफिकेशन के साथ प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवाए स्टूडेंट्स को. एंड स्टूडेंट्स की भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेली इग्नोर करने की बजाय कि अभी बहुत टाइम है कर लेंगे, पासिंग ऑन टू द डेज, वो जो आज का दिन मिला है, जो चीज़ समझाई गई है, जो चीज़ करवाई गई है, दैट डोंट पुट ऑफ ऑन टमोरो, उसको कल तक मत लेके जाएं, आज ही कर लें. इसी तरह सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द टीचर. तो टीचर के बारे में आप स्टूडेंट्स हैं, आपने मिस्टर हैमल के बारे में सारा जो है मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है, आप खुद बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि वो एज अ टीचर कैसे थे. ही वॉज अ सेंसिटिव टीचर, इमोशनल टीचर. ही वॉज अटैच टू दैट इंस्टीट्यूशन फॉर अबाव 40 years. तो उसने अपने 40 साल दिए उस इंस्टीट्यूशन को, लैंग्वेज को. तो ऑब्वियसली ही वॉज अ सेंसिटिव एंड इमोशनल, वो एंड पे आके वो हो जाता है. देन एज अ टीचर जो है बच्चों के साथ उसकी एसोसिएशन काफ़ी है, क्योंकि फ्रेंड्स जब पहुंचता है तो वो उसे कहता है कि हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने लगे थे. इट मींस कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हिम एंड वेरी मच नोन टू हिम. तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि टीचर को तमाम स्टूडेंट्स के नाम आते हों और उनका आइडिया हो. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. और जो है बाकी पॉइंट्स आप खुद एनालिसिस करके जो है मुझे सबमिट करवाएंगे. आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन याद करना है वो लैंग्वेज से रिलेटेड करना है, और यही इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन आपने मिस्टर हैमल का एनालिसिस एज अ टीचर करना है, और देन जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ वार जो है वो वाला हेडिंग में 3 questions याद करने हैं. लेकिन आज के लिए आपने जो है लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है और मुझे इसके पॉइंट्स सेंड करने हैं. सी यू सून देन.